हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीज़ा नई कंट्री के साथ लेके आया है। ये वीज़े के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोग को फुल डिटेल पता नहीं चलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीज़े के बारे में बात करते हैं। क्या वैकेंसी है, क्या पोजीशन है, कहाँ का वीज़ा, इंटरव्यू कब है इसका। ऑफिसर की वैकेंसी भाई, HSC सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसकी वैकेंसी है ये। और इस ये जो है वैकेंसी कतर की है, और सैलरी जो इसकी है 3550 प्लस 950 कतरी रियाल है। तो इसकी सैलरी जो है 3550 प्लस 950, तो इसकी ये सैलरी है भाई 3,500 सैलरी है, प्लस 950 एक्सपीरियंस के हिसाब से देगा। मान के चलिए 5,000 सैलरी है, तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अच्छा एक्सपीरियंस है बंदे के पास तो मिल सकता है उसको 5,000 रुपये सैलरी, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका जो है ना भाई, जमशेदपुर के अंदर इंटरव्यू है, जमशेदपुर के ऑफिस से आया है ये। तो उसी उन्हीं के ऑफिस से भी मैं बना रहा हूँ, तो ज़्यादातर उनकी ऑफिस से वैकेंसी जो आती है ना, उनका वो खुद ऑफिस में इंटरव्यू करवाते हैं तब भेजते हैं, क्योंकि ये सब बड़ी वैकेंसी है। CV सिलेक्शन और ये सेल्फ सिलेक्शन से नहीं होता है, ये सबका इंटरव्यू देना पड़ता है भाई आप लोग को। तो इसके लिए इसका फाइनल इंटरव्यू जो है जूम इंटरव्यू है, मगर फाइनल क्लाइंट जूम इंटरव्यू। तो इसके लिए पहले आप लोग को CV भेजना पड़ेगा, CV सेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, बाद में आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसके लिए बुलाया जाएगा आप लोग का इंटरव्यू के लिए। जिसकी CV शॉर्टलिस्ट होगी वही इंटरव्यू में अटेंड हो पाएगा, वही इंटरव्यू अटेंड कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप लोग जाकर इंटरव्यू दे सकता, ऐसा नहीं है भाई। आप लोग को इसके लिए शॉर्टलिस्ट कराना पड़ेगा। अपनी आप CV भेजिए, मैं मेल आईडी दे दूंगा आपको और नंबर दे दूंगा, उस पर आप मेल करिए, और नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आप मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, फिर उन आपकी CV जो है उधर भेज दिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करा दिया जाएगा। अभी अभी ऑलरेडी 4-5 बंदे हो चुके हैं आप लोग जो, मैं तो अभी आज ही वैकेंसी आई थी इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ग्रुप में तो ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ। अब नए सब्सक्राइबर जो है उनके लिए है भाई, वो लोग फटाफट, ये नहीं टाइम वेस्ट मत करें, जो मेरे नंबर पर, अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और नए सब्सक्राइबर हैं तो फटाफट मेरे नंबर पे SMS करें, और मैं उनको मेल आईडी दे दूंगा, उस पर मेल करें, शॉर्टलिस्ट कराएं। जमशेदपुर में इंटरव्यू, बिहार जमशेदपुर भाई, सेफ्टी ऑफिसर की। इसके अंदर क्या मांगा ये बता देता हूँ आप लोग को, इसके अंदर क्या चाहिए। तो कैंडिडेट शुड हैव BSc विथ निबोस IGC IOSH IMC विथ 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये जो इसके अंदर जो मांगा है, जो सेफ्टी ऑफिसर का जो कोर्स के, उनको तो पता ही होगा इसके बारे में, क्योंकि मेरे को तो इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है भाई। और सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के बारे में तो मालूम है हमको, HSC ऑफिसर जो होता है, तो मैं शिफ्ट में काम करता हूँ तो हमको मालूम है, मगर ये कोर्स जो है इसके बारे में हमको पता नहीं है। जो कोर्स किए होंगे वही लोग, उन्हीं लोग की शॉर्टलिस्ट होगी CV, क्योंकि आप लोग अगर कोर्स किए तो अपनी CV के अंदर वो डाल दीजिए, मेंशन कर दीजिए, तभी आप लोग की शॉर्टलिस्ट होगी CV। और जो है इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है। का नाम है अम्बाज कैटरिंग सर्विस, कंपनी का भी नाम मेंशन कर दिया गया। बहुत से लोग भाई अभी जो पूछते हैं कि भाई कंपनी कौन सी है और कौन सी कहाँ की है, तो इसमें पूरा मेंशन किया गया है भाई, ये जो है आवाज कैटरिंग सर्विस है। तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं बिंदास, मगर आप लोग को इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं है कि आप लोग का ऐसे घर बैठे बैठे आप लोग का काम हो जाएगा। बहुत से बंदे ऐसे ऐसे पड़े हैं भाई मेरे ऊपर, क्या मैं बोलूँ उनके लिए, कि वो लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैसेज करेंगे भाई मेरा करा दो, CV सिलेक्शन करा दो, सेल्फ सिलेक्शन करा दो, और जब उनका फाइनल कराओ तो CV PDF भेजो आगे, बाद में भाग जा रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं फेक है, ये है वो है। तो ऐसे काम नहीं होता भाई। आप लोग अगर आप लोग को ट्रस्ट नहीं, तो आप लोग इंटरव्यू दे के जाइए ना, क्यों CV सिलेक्शन के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैं तो आप लोग को बोल नहीं रहा है कि आप लोग मेरे ऊपर सेल्फ सिलेक्शन करा दो, CV सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग का। मैं तो डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू करा रहा हूँ भाई, जाओ करो इंटरव्यू। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कंपनी बताओ और ऑफिस बताओ, तो ठीक है आप लोग जाइए, आप लोग इंटरव्यू करिए डायरेक्ट। CV सिलेक्शन और सेल्फ सिलेक्शन वाला काम नहीं होगा, उन्हीं बंदों का होगा जो ट्रस्ट करेंगे और बिलीव करेंगे, जो एडवांस पैसा पेमेंट करेंगे उन्हीं का काम होगा CV सिलेक्शन का। और जो बंदे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो भाई डायरेक्ट जाए इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करें, फिर उनके पास जितनी उनके पास कैपेसिटी है, जितना टैलेंट है वो दिखाएं वहां पर, और सिलेक्ट हैं खुद ऑफिस में जाके, वो उसके बाद ऑफिस वाला जो उनको प्रोसेस बताएगा वो ऑफिस से करेंगे। तो यही सब चीज़ है भाई। अभी एक बंदा बोला बाइक डिलीवरी के लिए लगाने के लिए, जब उसका मैं CV फॉरवर्ड कर दिया, आज की बात है CV फॉरवर्ड बोल रहा है ये इट इज़ फेक। सॉरी, ये क्या बात थी भाई, फेक है, मैं फेक काम कर रहा हूँ बैठे के, यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूँ, फेक काम करूंगा, वैसे खुद ही मैं जॉब करता हूँ, तो फेक काम क्यों करूंगा भाई। मैं जो काम करूंगा सही करूंगा, कि आप लोग फिर एक आदमी को भेजूँ तो उसके जरिए मेरे को 4-5 बंदा और मिले,
तो ये सब फेक उकसे वाला काम नहीं है अपना भाई। इसके लिए मैं अभी ना ज्यादातर मैं क्लाइंट इंटरव्यू करा रहा हूँ, जो बंदे हैं टैलेंटेड है जो बोल रहे हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, तो ठीक है भाई वो लोग जाए। अभी 26 को इंटरव्यू दिल्ली में, वहां जाके अटेंड करें। और इसका भी शॉर्ट लिस्ट होगा, इसका बताया नहीं गया कब इंटरव्यू, मगर इसमें भी आप लोग को जाकर इंटरव्यू खुद अटेंड करना पड़ेगा। अभी सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत से बंदे पूछ रहे थे हमसे, सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी दो भाई, वैकेंसी दो, तो उनके लिए भी आ गई वैकेंसी भाई। वो लोग भी अब रेडी हो जाए जाने के लिए, इंटरव्यू फेस करें जाके। वो फिर बाद में मत बोलिएगा आप लोग मेरे पे मैसेज करके भाई वैकेंसी बताओ हमको, क्योंकि जिसको जाना है वो काम कराए अपना, बाद में टाइम वेस्ट मत करें। अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, और फिर बाद में हमको मैसेज भी मत करिए आप लोग कि हमको ये सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी चाहिए, इसकी वैकेंसी चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आप लोग को दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ इंटरव्यू करिए, तो आप लोग खुद भाग जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए जो बंदे सीरियस हैं वो जाएँ जमशेदपुर, जाके वहाँ इंटरव्यू फेस करें। पहले शॉर्ट लिस्ट कराएं सीवी, अगर उनकी सीवी अच्छी रहेगी तो कम ऑफिस वाले को अगर उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा है टैलेंटेड, तो उन्हीं का सीवी शॉर्ट होगी और उसके बाद उनका इंटरव्यू कराया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ। अब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए अपने माँ बाप के साथ। ओके बाय।